हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेडीमेड फ्रॉक की लेंथ कैसे कम की जाती है। जैसे जी मेरे पास फ्रॉक है और इसकी लेंथ है 53 इंच और इसकी लेंथ मुझे 50 इंच तैयार करनी है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम ना तो ऊपर से इसे कट कर सकते हैं और ना जो नीचे से, क्योंकि ऊपर भी इसके नेक के ऊपर कढ़ाई है और नीचे बॉर्डर है। तो जो जेब वाली सिलाई है जहाँ से इसको हम उधेड़ कर इसकी लेंथ को कम करेंगे, और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है इसकी लेंथ 16.5 इंच है, तो हम इसके लिए लेंथ 16 इंच रखेंगे। 16 इंच काफ़ी है, थोड़ी ज़्यादा है इसकी लेंथ, तो हम 16 इंच तैयार कर देंगे। अब हम दोनों साइड से फ्रंट और बैक में से दोनों को उधेड़ देंगे, जहाँ से तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है। जहाँ पर हम 16 इंच पर निशान लगाकर ऊपर वाले पार्ट की इस तरह से कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद इस वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। और इस तरह से ऊपर रखने के बाद जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे। जी देखिए, जैसे मुझे 50 इंच लेंथ चाहिए, तो इस तरह से जहाँ पर भी हमारा 50 इंच आएगा तो नीचे से हम इस तरह से जहाँ पर निशान लगा लेंगे। और ऐसे निशान लगाने के बाद अब हम इसकी जहाँ से कटिंग कर लेंगे, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 4 इंच पर निशान लगाया है। उसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी 4 इंच पर निशान लगाकर इसे अच्छे से निशान लगा लेंगे, और जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से जितने भी हमें तैयार लेंथ चाहिए अपने फ्रॉक की वो रेडी हो जाएगी। अब हम इसको, क्योंकि नीचे से हमने इसे कट किया है तो नीचे वाला पार्ट थोड़ा जब बढ़ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको इसमें कलियां हैं, तो हम कलियां में एक सिलाई लगाकर इसको जितनी हमारी कमर है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। तो जहाँ पर हमारी सिलाई आएगी तो सिलाई के बाद ये जितनी हमारी कमर है उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इसकी बीच वाली जो लाइनिंग है इसको हम इसके बीच रखते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए, जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, ऐसे इसके बीच हम लाइनिंग को रखेंगे जैसे ये पहले स्टिच की हुई थी, इसी तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। और जो मेन फैब्रिक है और इस फैब्रिक को हम इसके बीच इस तरह से रख लेंगे। आप चाहे तो इसे किसी तरह से भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे वैसे स्टिच करूँगी जैसे पहले जो स्टिच की हुई थी, सेम वैसे ही इसे स्टिच कर लेंगे। और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है और इस फैब्रिक को हम इसके नीचे इस तरह से रखते हुए ऐसे राउंड में स्टिच कर लेंगे। जी देखिए, ऐसे हमने पूरी राउंड में सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा करेंगे। जी देखिए फ्रेंड, इस तरह से जी हमारी फ्रॉक स्टिच हो चुकी है, इसकी लेंथ को हमने कम कर लिया है। और इस तरह से जितने भी हमें लेंथ तैयार चाहिए वो रेडी हो चुकी है। और नीचे जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है उसको भी हम राउंड में फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। जी देखिए, इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आप भी अपनी रेडीमेड फ्रॉक की लेंथ को कम कर सकते हैं, अगर आपके पास भी इसी तरह से की कोई रेडीमेड फ्रॉक है। और ऐसे ही हमने बहुत सिंपल से तरीके के साथ आपको फ्रॉक की लेंथ कम करना बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है आप नीचे कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।